हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत फाइन होंगे. एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम एंड द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी. सो जैसा कि आपको पता है कि इंटरमीडिएट लेवल के अंदर एक क्वेश्चन वो लोग कंपलसरी बेसिस पे पूछते ही हैं कि टोटल इनकम आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है एंड इनकम टैक्स एंड उसके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी रहेगा. सो गवर्नमेंट ने एज पर द फाइनेंस एक्ट 2020 उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए. वो अमेंडमेंट्स भी इसके अंदर हम कवर करेंगे. दैट इज़ रिलेटेड टू द सेक्शन 115BAC, ठीक है, जिसके अंदर एक ऑप्शनल टैक्सेशन स्कीम गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है. ऑप्शनल इंट्रोडक्शन मतलब आप जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो वो आप कर सकते हो, और अगर आपको ऑप्शनल स्कीम में जाना है तो आप ऑप्शनल स्कीम में भी जा सकते हो. हावेवर जो ऑप्शनल स्कीम है वो कंडीशनल ऑप्शनल स्कीम है, मतलब उसके अंदर आपको कुछ डिडक्शंस या जो बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं वो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है. सो उसमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में इंस्टीट्यूट आपको पक्का पूछेगी, ठीक है, कि अगर हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो एज पर सेक्शन 115BAC के मुताबिक किस तरह से होगा, ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फ्रेंड्स, और मैं आपको कुछ नोट्स बता देता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है जब आप कैलकुलेशन करते हो, किसका, जब टोटल इनकम का आप कैलकुलेशन करते हो तब. नाउ सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. नाउ तो जैसा आप सब लोगों को फ्रेंड्स पता होगा कि आप टोटल इनकम का कैलकुलेशन तभी कर सकते हो जब आपको सारे हेड्स ऑफ इनकम एज वेल एज डिडक्शन, क्लबिंग, सेट ऑफ और जो भी स्मॉल चैप्टर्स हैं अदर देन फाइव हेड्स के अलावा के वो आप करते हो, उसके बाद ही आप टोटल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है. सो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा. हावेवर जो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में जो स्टेप्स दे रखे हैं वो ज़्यादा स्टेप्स हैं, ठीक है, तो अगर आप वो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो. लेकिन ठीक है, मैं जो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स थोड़े कम हैं एज़ कम्पेयर टू द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, और वो कंपेरेटिवली आपको ईजी भी लगेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटेशन अगर आप टोटल इनकम का कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान ज़्यादा रखना है. सो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मतलब टोटल इनकम आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है. सो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड अगर हम बात करें किसका, HUF का, ठीक है. सो स्टेप नंबर वन आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टैक्स पेयर है उसका आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है, मतलब कैलकुलेट मतलब फाइंड आउट करना है. मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको दिया हो कि जो टैक्स पेयर है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि वो दिया हुआ नहीं है, तो इन दैट केस आपको फाइंड करना पड़ेगा कि वो जो भी टैक्स पेयर है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है. तो वो रेसिडेंशियल स्टेटस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. फिर रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, तो स्टेप नंबर टू के अंदर आपको करना है इनकम का कैलकुलेशन, ठीक है. अभी इनकम का कैलकुलेशन आप किस तरह से करोगे, तो इनकम का कैलकुलेशन के लिए आपको जो भी हेड्स ऑफ इनकम में से जो इनकम पूछा हो, जैसे आपको पूछा हो सकता है सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी का एक आधा पॉइंट हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या लेट आउट है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा तो उसके रिलेटेड कुछ अगर टैक्स पेयर ने इंटरेस्ट पे किया होगा तो उसका हमें डिडक्शन देना पड़ेगा. तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या मिलता है, डिडक्शन तो मिलता ही है, ओके. सो वो हो गया. या तो फिर आपको क्या दे रखा हो सकता है, PGBP इनकम आपको दे रखी हो सकती है, मतलब बिजनेस या प्रोफेशन के रिलेटेड आपको इनकम दे रखी होती है. फिर आपको क्या दे रखा होगा, तो वो आपको दे रखा होगा कैपिटल गेन इनकम, एंड आपको दे के रखा हो सकता है IFRS की इनकम. मतलब ये फाइव हेड्स में से कोई भी इनकम आपको हो सकती है, या फिर दो हेड में से पूछा होगा या तीन होंगे. मान लो कि सैलरी होगा तो मे बी PGBP होने के चांसेस बहुत कम है. अगर आपको बिजनेस इनकम पूछा होगा तो वो सैलराइड बंदा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस कर रहा होता है वो जॉब तो नहीं कर रहा होगा. हाँ, वो बात अलग है कि अगर कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो वो एक सेपरेट थिंग हो गया, लेकिन आपको
ध्यान ये रखना है कि कोई भी हेड्स में से वो दो तीन पॉइंट आपको पूछ सकते हैं जब टोटल इनकम कैलकुलेट करने को बोला हो, ठीक है। सो आप जैसे ही ये क्या करते हो, पांचों हेड का एडजस्टमेंट करते हो, मतलब सैलरी के अंदर सेक्शन 15 से लेकर जो भी 17 तक जो है, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16 का 50,000 रुपये का देने के बाद जो भी इनकम आती है और जो अदर हेड्स की इनकम आती है, उसको आपको क्या करना है, सब टोटल करना है, ठीक है। ये सब कुछ टोटल करने के बाद आपको एडजस्टमेंट करने हैं। पहला एडजस्टमेंट किसका करना है, तो वो आपको करना है क्लबिंग का, क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। सो आपको भी पता है क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब क्या है, कि जो टैक्स पेयर है उसने अपनी इनकम को किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, तो वो इनकम वो पर्सन को टैक्सेबल होगी जिसको हमने ट्रांसफ़र किया है। बट बाद में गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो टैक्स पेयर्स होंगे जो ज़्यादा इनकम वाले ग्रुप में आते हैं, मतलब ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, वो लोग इजीली अपना टैक्स अवॉइड कर सकते हैं। सो इसलिए गवर्नमेंट ने क्लबिंग चैप्टर इम्प्लीमेंट किया और ऐसा कहा कि अगर आपने अपनी इनकम किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र की होगी तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर इनकम जो होगा वो हम आपके इनकम के अंदर क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो क्लबिंग ऑफ इनकम, तो आपको पता है कि क्लबिंग ऑफ इनकम मतलब जो इनकम आपने स्पाउस को ट्रांसफ़र की है वो, या तो फिर क्या हो सकता है, तो माइनर चाइल्ड को आपने ट्रांसफ़र की हो, ठीक है। लेकिन क्लबिंग में भी एक्सेप्शन होता है दोस्तों, कि अगर माइनर चाइल्ड ने अपनी कैपेबिलिटी पे कुछ इनकम अर्न की होगी तो उसको हम क्लब नहीं करते, ठीक है, या कोई फिजिकल वर्क किया होगा तो वो इनकम को हम क्लब नहीं करें। और माइनर चाइल्ड के अंदर आपको ये भी पता होगा कि ₹1,500 का क्या मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32, ठीक है, ये आपको एग्जेम्पशन भी मिलेगा, ओके। सो ये ध्यान रखना है, तो स्पाउस को कोई इनकम ट्रांसफ़र किया होगा तो वो आपके हाथ में ही क्लब होगा, ठीक है। उसके भी अंदर काफ़ी सारा दे रखा है कि अगर आपने स्पाउस को इनकम ट्रांसफ़र की होगी और साथ में टाइटल भी ट्रांसफ़र किया होगा और कंसिड्रेशन चार्ज किया होगा तो कोई क्लबिंग नहीं होगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। फिर आता है दोस्तों क्या, तो एक और चैप्टर, ये आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं। क्या एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं? सो आपको करना है सेट ऑफ ऑफ लॉस, ठीक है। सो लॉस सेट ऑफ करना है, तो पहले आपको करना है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट करना है आपको? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। वंस द इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको करना है इंटर हेड एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करना है एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट आपको करना है, ठीक है। सो इंट्रा हेड एडजस्टमेंट एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट, ठीक है, ये क्या होता है? तो आपको पता है कि इंट्रा हेड मतलब विद इन हेड होना है, ठीक है, तो विद इन द हेड आपका एडजस्टमेंट हमें करना है, एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब आउटसाइड हेड जाके आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है, ओके। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने सेट ऑफ करते हो तो वो क्या हो गया, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। बट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सैलरी इनकम के सामने एडजस्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर हेड एडजस्टमेंट। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोगों को पता है कि सैलरी के सामने सिर्फ हम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस ही क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर सेट ऑफ होता है तो ठीक है, ठीक है। इफ इफ इनकम इज नॉट एडिक्वेट, मतलब वो इतना एडिक्वेट नहीं है कि वो लॉस को क्या कर ले, पूरा सेट ऑफ कर ले, ठीक है। इफ इनकम इज नॉट एडिक्वेट टू सेट ऑफ लॉस, तो दोस्तों उसको हम क्या कर देंगे, तो हम उसको कर देंगे कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो उसको हमें क्या कर देना है, कैरी फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्टेप नंबर टू के अंदर आपको इनकम का क्या करना है, कैलकुलेशन, अभी उसमें भी बाकी है। उसमें पहले सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबी, जो भी इनकम आपको दे रखी हो, उसके जो भी डिडक्शंस और उसके जो भी डिसअलाउंसेस आते हैं, जैसे पीजीबी में बहुत सारे डिसअलाउंसेस हैं कि अगर आपने टीडीएस का डिफॉल्ट किया या फिर पेमेंट नहीं किया तो वो अमाउंट आपको क्या कर देनी है, डिसअलाउ कर देनी है, ठीक है। फिर ये एडजस्टमेंट करने के बाद उसमें से भी आपको माइनस करना है, दैट इज डिडक्शन अंडर चैप्टर, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, ठीक है।
तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंदर आपको मिलेगा ATC से लेकर ATU तक के डिडक्शंस मिलेंगे, ठीक है। तो ATC से ATU के जो भी डिडक्शंस हैं, जैसे ATC हो गया LIC प्रीमियम आप पे करते हो, ATD हो गया मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो, ATDD हो गया, ATE हो गया, ATGGG, ओके, TTA हो गया, सेविंग अकाउंट के ऊपर जो डिडक्शन मिलता है, तो वो सारे डिडक्शंस आपको याद होने चाहिए। और बाद में जब टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो तब डिडक्शन में से उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है दोस्तों, ओके। सो ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो आएगा वो हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहेंगे टोटल इनकम, ठीक है। सो पांचों हेड का टोटल करना है, ठीक है, उसके बाद क्लबिंग करना है, देन सेट ऑफ करना है, इसको मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद जो आपको मिलता है वो ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम माइनस करने के बाद, डिडक्शन माइनस करने के बाद जो भी इनकम मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, टोटल इनकम, अंडरस्टूड। तो ये था आपका स्टेप नंबर 2, ठीक है। सो अगर इसको आपको स्टेप्स में बढ़ाना है तो आप ऐसे भी बढ़ा सकते हो कि पहले क्लबिंग करो, फिर सेट ऑफ करो और फिर डिडक्शन लो, तो वो 3 स्टेप और ऐड हो गए, ठीक है। लेकिन वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक स्टेप में ही याद रखना है सब कुछ। तो पहले पांचों हेड की जो भी इनकम होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि टोटल इनकम के क्वेश्चन में पांचों हेड आपको दे रखे होंगे, या आपको सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी या IFRS के एक दो एडजस्टमेंट आपको पूछ सकते हैं, या फिर बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी एंड देन IFRS में से गिफ्ट वाला पॉइंट आपको पूछ सकते हैं, या फिर शेयर्स वाला पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन मतलब जो भी हमने सिक्योरिटीज़ परचेस की थी उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कुछ भी मिक्स करके आपको पूछ सकते हैं। एंड देन आपको क्लबिंग करना है, तो क्लबिंग का आपको देखना है कि क्लबिंग का कोई पॉइंट दे रखा है, कि माइनर चाइल्ड की कोई इनकम है, अगर माइनर चाइल्ड की इनकम है तो उसको क्लब कर दो, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे, मॉड्यूल में से ही क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको अभी कैलकुलेट करना है टैक्स लायबिलिटी, ओके, ठीक है। अभी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है आपको, तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक, आप कौन से ऑप्शन में जा सकते हो, नॉर्मल ऑप्शन में जा सकते हो, ठीक है, मतलब नॉर्मली जो टैक्स हम पे करते हैं उसमें जा सकते हो, जो स्लैब एप्लीकेबल होता है। एंड दूसरा हम जा सकते हैं किसके अंदर, तो सेक्शन 115 BAC के अंदर जा सकते हैं, विच इज़ एन ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये जो ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है ये दोस्तों क्या है, कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब आपको कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए जाएंगे, जैसे कि आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने PGBP में पढ़ा होगा तो उसका हम डिडक्शन नहीं देंगे, साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 आपने पढ़ा होगा तो उसका हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, मतलब हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो मैं बताऊंगा बाद में, तो वो 115 BAC के अंदर आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम बात करें किसका, तो नॉर्मल ऑप्शन का, तो नॉर्मल ऑप्शन के अंदर आपको क्या देखना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले तो जो भी इनकम होगा ना, वो इनकम को दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, इनकम राउंड ऑफ, तो इनकम कहाँ राउंड ऑफ करेंगे, तो नियर मल्टीपल ऑफ ₹10, तो 10 रुपये में उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी इनकम 5,49,228 है, तो 228 की जगह आपको 230 कर देना है, तो ये राउंडिंग ऑफ करना है एज पर विच सेक्शन, तो एज पर सेक्शन 288A के मुताबिक आपको उसको राउंड ऑफ करना है। सेकेंड चीज़, आप जब भी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो आपको जो भी टैक्स पेयर है ना, टैक्स पेयर का जो भी दोस्तों क्या होगा, एज है, उसको एक बार देख लेना है, ठीक है। मतलब सीनियर सिटीजन होगा तो स्लैब लिमिट अलग से होगा, अगर नॉर्मल कैटेगरी वाला होगा तो अलग स्लैब होगा, सुपर सीनियर सिटीजन होगा तो अलग से स्लैब होगा, ठीक है। तो वो एज आपको पहले चेक कर लेनी है।
फिर आपकी टोटल इनकम के अंदर, ध्यान से सुनना, इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात कर रहा हूँ, अगर आपके टोटल इनकम के अंदर ऐसी कुछ इनकम है जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, ठीक है ना, स्पेशल टैक्स रेट, तो मान लीजिए कि उसके ऊपर स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, और कुछ ऐसी इनकम होगी जिस पर नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, ओके। तो अगर स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, तो वो जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उसको आपको क्या कर देना है, टोटल इनकम में से सेपरेट कर देना है। जैसे कौन सी ऐसी इनकम है जिस पे सर स्पेशल टैक्स रेट दे रखा है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं कौन सी इनकम है, लॉटरी इनकम है, तो लॉटरी इनकम पे कितना टैक्स लगता है, तो वो लगता है 30%। बैटिंग हो गया या फिर गैम्बलिंग हो गया, ठीक है, तो उन सब पे कितना लगता है, तो 30% टैक्स लगता है। या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, ठीक है, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे दोस्तों डिपेंड करता है, अगर सेक्शन 112 का है या 112A का है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाला है, तो उसके ऊपर 10% लगता है। अदर लॉन्ग टर्म के सामने, अदर लॉन्ग टर्म के सामने कितना लगता है, 20% लगता है। फिर अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें, तो उसके ऊपर अगर, ध्यान से सुनना, अगर सेक्शन 111A वाला है, लिस्टेड शेयर्स वाला, तो उसके ऊपर कितना लगता है दोस्तों, तो उसके ऊपर लगता है 15%। एंड अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, तो अदर शॉर्ट टर्म के सामने कितना लगेगा, तो अदर शॉर्ट टर्म में स्पेशल रेट नहीं होता, बट उसके ऊपर तो क्या हो जाता है, स्लैब एप्लीकेबल ही होगा, या जो नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होगा, ठीक है, स्लैब होगा, तो स्लैब 30% टैक्स लग रहा होगा, लाइक इन केस ऑफ कंपनी, तो वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो जो स्पेशल टैक्स रेट हैं, जिस इनकम पे स्पेशल टैक्स रेट लगता है, उसको आपको सेपरेट कर देना है। जिनके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा, उनके लिए नॉर्मल टैक्स रेट रहेगा, तो जो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, स्लैब, ठीक है। नाउ एक कॉन्सेप्ट है, आप सब लोगों को पता होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ शिफ्टिंग बेनिफिट, ठीक है, शिफ्टिंग बेनिफिट। नाउ शिफ्टिंग बेनिफिट आपको तीन सेक्शन में मिलता है, सेक्शन 112A, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 111A, इन तीनों में आपको सेक्शन शिफ्टिंग बेनिफिट मिलता है। तो ये कौन से सेक्शन है, LTCG, ये भी LTCG है, सॉरी ये लिस्टेड शेयर्स वाला है, ठीक है, ठीक है, और ये नॉर्मल कैटेगरी वाला है। देन ये STCG है, बट ये किसका है, तो ये है लिस्टेड शेयर्स वाला है, ठीक है। तो शिफ्टिंग बेनिफिट मिलता है, तो शिफ्टिंग बेनिफिट क्या होता है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि जब भी आपका नॉर्मल इनकम इज़ लेस देन क्या होगा दोस्तों, अगर इज़ लेस देन स्लैब होगा, मतलब वो स्लैब से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और अगर आपके पास ये स्पेशल रेट वाली इनकम है, स्पेशल रेट इनकम इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, मतलब आपका जो टोटल इनकम है उसमें स्पेशल रेट वाली इनकम इंक्लूडेड है, तो इन दैट केस, ध्यान से सुनना, इन दैट केस ये जो भी इनकम होगी, ये हम शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम शिफ्ट करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ शॉर्टफॉल इन एक्चुअल इनकम टू स्लैब लिमिट, मतलब जो आपकी स्लैब की लिमिट है और जो आपकी नॉर्मल इनकम है वहाँ तक आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लीजिए आपका जो टोटल इनकम है, वो टोटल इनकम आपका है 9,30,000, ये आपका टोटल इनकम है, बट आउट ऑफ दिस टोटल इनकम मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1,30,000 रुपीज़ की जो इनकम है, ये 1,30,000 रुपीज़ है दोस्तों, ये आपका नॉर्मल इनकम है। कौन सा नॉर्मल इनकम, मतलब इसके ऊपर स्लैब एप्लीकेबल होगा, और बाकी का जो 8 लाख रुपीज़ है, बाकी के 8 लाख रुपीज़ के ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, तो वो एप्लीकेबल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। सो अभी इस केस में क्या है, तो प्रोविज़न ये है कि
कि अगर हम स्लैब तक की बात करें तो कितने अमाउंट तक टैक्स नहीं लगता, तो अप टू 250 तक कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो अप टू 250 तक कोई टैक्स लगता नहीं है दोस्तों। तो अभी इस केस में मैं क्या करूँगा, तो इस केस में मुझे करना ये है कि जो 8 लाख रुपीज़ है उसमें से कुछ अमाउंट में शिफ्ट कर दूंगा। कहाँ शिफ्ट करूँगा, तो 1,20,000 मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे 1,20,000 माइनस करने के बाद कितना बैलेंस बचेगा, तो 6,80,000। ठीक है, और ये अप टू 250 तक कोई टैक्स लगेगा नहीं, नो टैक्स। और ये 120 यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मान लीजिए कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, सेक्शन 112A वाला है। मतलब कौन से वाला है, तो लिस्टेड शेयर्स वाला। ठीक है, मतलब आपने कुछ इक्विटी शेयर्स बेचे थे। ठीक है, तो इन दैट केस 112A के अंदर टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 10%, बट उसमें से हमने कुछ इनकम तो शिफ्ट कर दी, तो ये 680 के ऊपर टैक्स लगेगा। और 680 के ऊपर भी क्या है कि एज पर सेक्शन 112A के मुताबिक नो टैक्स, नो टैक्स अप टू ₹1 लाख, मतलब 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो 5,80,000, मतलब 680 में से 1 लाख आपको क्या कर देना है, माइनस करने। तो 580 पे 10% लगेगा, वो कितना लगेगा, 58,000। अंडरस्टूड? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो ये शिफ्टिंग बेनिफिट भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका जो टोटल इनकम होता है, अगर वो टोटल इनकम में कुछ ऐसी इनकम है जो कुछ इनकम नॉर्मल रेट से जा रही है और कुछ इनकम स्पेशल रेट से जा रही है, तो उस केस में नॉर्मल इनकम अगर स्लैब से कम होगा तो जितना भी कम होगा उतना अमाउंट हम वो स्पेशल रेट वाली इनकम, ये सिर्फ 3 इनकम 112A, 112 एंड 111A, उसमें से हम उसको शिफ्ट कर देंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, सो ये ध्यान रख, ये हमें एड ऑन करना है। दूसरा, जब भी आप टैक्स लायबिलिटी करते हो, अभी ये शिफ्टिंग बेनिफिट तो क्या है कि जब आपकी नॉर्मल इनकम स्लैब से कम हो तब आपको ये करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपकी नॉर्मल इनकम स्लैब से ज़्यादा है तो फिर कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर टैक्स पेयर की इनकम एक लेवल से ज़्यादा हुई तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सरचार्ज कितना पे करना है, अगर इनकम 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हुई, कितने से, 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा, तो सरचार्ज का जो रेट आपको दे रखा है वो रहेगा 10%। ओके, बट अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा हुआ बट अप टू 2 करोड़ तक रहा, तो जो सरचार्ज का रेट रहेगा वो रहेगा 15%। ठीक है, देन अगर आपकी इनकम 2 CR से ज़्यादा हुई, मोर देन 2 CR, बट अप टू कितने तक रहा होगा, तो अप टू 5 करोड़, तो इन दैट केस कितना होगा, 25%। एंड अगर आपकी इनकम अबव 5 करोड़ से ज़्यादा होगी तो कितना होगा, 37% सरचार्ज आपको लगाना है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बट फ्रेंड, सरचार्ज के रेट्स में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपके पास कौन सा इनकम हुआ, सो अगर सेक्शन 112A, ओके, सेक्शन 112A या फिर सेक्शन 111A वाला अगर आपके पास इनकम होता है, मतलब ये बात कर रहे हैं लिस्टेड शेयर्स की, कौन से शेयर्स की, लिस्टेड शेयर्स की, ये दोनों सेक्शन बात करते हैं, ये लॉन्ग टर्म है और ये शॉर्ट टर्म है, तो इन दैट केस मैक्सिमम सरचार्ज का रेट, मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना रहेगा, तो वो रहेगा 15% ऑन टैक्स। और जो सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होता है, जो भी सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होता है, विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो मैक्सिमम मतलब लिस्ट रेट आपको लेना है। तो मान लीजिए कि आपका ऑलरेडी 10% वाला सरचार्ज का रेट आ रहा है तो फिर 10% लेंगे, लेकिन अगर 25% वाला आ रहा है तो इन दैट केस वी विल टेक 15% ओनली ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम। मतलब जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी शेयर्स हैं उसको बेच के जो भी आपको इनकम हुई है उसमें मैक्सिमम सरचार्ज का रेट 15% होगा, अगर 25% आ रहा है तो, या 37% आ रहा है तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये मैक्सिमम क्या रहेगा, सरचार्ज का रेट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया सरचार्ज का, देन उसके बाद सेल्स लगेगा 4%, तो वो तो आपको भी पता है।
ठीक है, तो 4% किसका, तो ऑन टैक्स एंड सरचार्ज, टैक्स एंड सरचार्ज इफ एनी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये था कैलकुलेशन जो टैक्स लायबिलिटी का था वो, ठीक है। एक और चीज़ लास्ट में, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, तो ये 87A की रिबेट दोस्तों किसको मिलती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मिलता है इंडिविजुअल को, ठीक है, जिसका इनकम कितने से कम होता है, टोटल इनकम, मतलब मैं हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा इनकम, जिनका टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम होता है, ठीक है, उनको ये रिबेट मिलेगा। अभी रिबेट कितना मिलेगा, तो रिबेट मिलेगा लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, उसके अंदर 100% ऑफ टैक्स और 12,500, ठीक है, विच एवर इज क्या होगा लोअर, उसका हम आपको क्या दे देंगे, बेनिफिट दे देंगे। तो 100% ऑफ टैक्स और 12,500, विच एवर इज आपको क्या करना है, लोअर करना है, क्लियर, ठीक है। सो मान लीजिए कि किसी इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है टोटल इनकम, ठीक है, तो ये रिबेट आपको दे देना है, क्लियर। सो नॉर्मल इनकम मान लो 5 लाख से कम है, तो एसएस तो उसको कोई टैक्स पे करने को आएगा ही नहीं। तो क्या था स्टेप्स के अंदर, क्या ध्यान रखना है, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पहले फाइंड आउट करना है, फिर इनकम का कैलकुलेशन करना है, देन क्लबिंग करना है, देन सेट ऑफ करना है, डिडक्शन क्लेम करना है, ये सब कुछ आप कैलकुलेट करते हो, उसके बाद आपको टोटल इनकम मिलता है, फिर टोटल इनकम को आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद उसके ऊपर आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, अंडरस्टूड। तो लास्ट में आपका टैक्स पेएबल का क्या फिगर रहेगा, तो टैक्स पेएबल का आपका क्या फिगर रहेगा, तो जो भी टैक्स पेएबल होगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो भी टैक्स पेएबल होगा वो क्या होगा, तो जो भी आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए हैं वो, उसमें से आपको माइनस क्या करना है, टीडीएस माइनस करना है, एंड देन आपको उसमें से माइनस करना है एडवांस टैक्स, ये आप माइनस कर लोगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगी वो आपका टैक्स पेएबल होगा, और उसको भी आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, अंडरस्टूड। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने लेट रिटर्न फाइल किया हो, या एडवांस टैक्स का आपने पेमेंट ना किया हो, तो आपको इंटरेस्ट पे करने को आ सकता है, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A आ सकता है, या अंडर सेक्शन 234B, ठीक है, या फिर 234C, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे टैक्स पेयर ने लेट रिटर्न फाइल किया, तो अगर टैक्स पेयर लेट रिटर्न फाइल करता है तो इन दैट केस क्या होगा, उसको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब रिटर्न लेट फाइल करने से मेरा मतलब है जो टैक्स का पेमेंट है वो ड्यू डेट पे नहीं हुआ है, अगर टैक्स का पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, और लास्ट में आपको जो इनकम है उसको भी क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ये भूलना नहीं है। तो इनकम भी राउंड ऑफ करना है और टैक्स लायबिलिटी को भी राउंड ऑफ करना है, इसके लिए जो सेक्शन है वो है 288B, ठीक है, उसके अंदर आपको ये राउंडिंग ऑफ करना है, क्लियर। सो ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं, ओके। अभी जो अमेंडमेंट हुआ है वो ये वाला पार्ट, ठीक है, तो जब भी आप टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो गवर्नमेंट ने एक ऑल्टरनेटिव स्कीम दे दिया कि अगर आप विदाउट टैक्स के बेनिफिट जाना चाहते हो, लाइक डिडक्शन जो ATC से ATU के हैं, ठीक है, एक्सेप्ट ATJJAA का मिलता है, ठीक है, तो अगर आप विदाउट डिडक्शन जाना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपका स्लैब डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम के अंदर, उन्होंने कुछ स्लैब्स बताए हैं, ठीक है, जो स्लैब 252-5 लाख वाला है, ठीक है, वैसा ही स्लैब है, लेकिन उसमें टैक्स रेट्स क्या है, डिफरेंट है, अंडरस्टूड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्लैब कितना है उस केस में, तो अप टू ₹2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, देन 252 कहाँ तक, 252-5 लाख तक कितना परसेंटेज आपको पे करना है, तो वो आपको पे करना है। नाउ जैसा कि हम दोस्तों डिस्कस कर रहे थे दैट अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 252-5 लाख जो है वो 5% रहेगा, देन 5 लाख से 10 लाख तक कितना परसेंटेज, सॉरी 5 लाख से 10 लाख नहीं, ये नॉर्मल लिख दिया मैंने, ये होगा 7,50,000 तक,
वो रहेगा 10%। देन 7,50,000 से लेकर 10 लैक्स तक जो रेट रहेगा वो रहेगा 15%। ओके, देन उसके बाद फिर नेक्स्ट 2.5 लैक का जो गैप होगा, मतलब 10 लैक से लेकर 12,50,000 तक, ये रहेगा 20%। 12,50,000 से 15 लैक्स तक रहेगा 25%। एंड अबाउ 15 लैक्स कितना रहेगा, तो वो रहेगा 30%। ठीक है, सो 5%, देन 10%, 15, 20, 25 एंड 30, इस तरह से क्या रहेगा आपका जो भी टैक्स रेट होगा वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर आप ऑल्टरनेटिव स्कीम में आते हो तो देखिए, अभी आप ऑल्टरनेटिव स्कीम में आते हो लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होती हैं जो कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो अभी मैं फ़िलहाल आपको बता देता हूँ, बाकी हम फिर मॉड्यूल में से देखेंगे। ठीक है, सो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, जिसमें आप एडिशनल डेप्रिसिएशन के क्लेम करते हो उसका हम आपको कोई डिडक्शन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, देन सेक्शन 35, उसका साइंटिफिक रिसर्च का जो भी एक्सपेंडिचर आप क्लेम करते हो उसका हम आपको डिडक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशन है, जैसे सेक्शन 80C से 80U का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट, इसमें दो ही सेक्शन है जिसका मिलेगा, एक्सेप्ट 80CCD सब सेक्शन 2 एंड 80JJA, उसका आपको मिलेगा। तो 80CCD सब सेक्शन 2 दोस्तों आपको पता होगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। और ये जो न्यू वर्कमैन आप अपने यहाँ रखते हो उसका हम आपको क्या दे सकते हैं, डिडक्शन दे सकते हैं। तो जो न्यू वर्कमैन आप रखते हो और जो जिसका आपको 30% क्या मिलता है, 30% ऑफ सैलरी जो आप पे करते हो, हम उसका आपको क्या दे सकते हैं, डिडक्शन दे सकते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो इसमें और भी कंडीशंस हैं लेकिन मैंने सिर्फ अभी आपको ये इनिशियल फेज़ वाला बताया, बाकी हम मॉड्यूल में से देखेंगे। तो ये रेट आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 एंड एवरी 2.5 का जो गैप है उस पे रेट आपको 5-5% बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, आपको इतना ध्यान रखना है कि अबाउ 15 लैक्स होगा तो 30% पे करना है, एंड ईच 2.5 का गैप, मतलब 2.5 से 5, 5 टू 7.5, 7.5 टू 10, 10 टू 12.5, 12.5 टू 15। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे 5% को ट्रिगर करना है। ठीक है, मतलब 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ओके, सो ये ध्यान रखना। सो आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा, ये ऑप्शन जब भी आप ऑप्शन क्या करते हो, ऑप्ट करते हो। ठीक है, तो एक बार अगर आपने ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया, ध्यान से सुनना, इफ सेक्शन 115BAC का जो ऑप्शन है इसको आपने क्या कर लिया, ऑप्ट कर लिया, तो आपको कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करना पड़ेगा फॉर एवरी सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। हर साल आपको यही ऑप्शन में जाना पड़ेगा, अगर आपका कौन सा इनकम है, बिजनेस इनकम है तो। बट अगर आपका मान लीजिए कि अदर इनकम है, तो अदर इनकम है मतलब अदर देन PGBP, मतलब बिजनेस इनकम के अलावा की कोई इनकम है, तो इन दैट केस आप सेक्शन 115BAC में ईयरली बेसिस पे ऑप्शन क्या कर सकते हो, ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। बट वंस यू आर इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस इनकम है आपका, तो फिर एक बार अगर आप 115BAC में आ गए तो फिर आपको उसी बेसिस पे कंटिन्यू रहना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, सो ये ध्यान रखना, क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो अभी मॉड्यूल में से सेक्शन 115BAC देख लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। ओके, नाउ वो स्टार्ट करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इसका भी एक सेक्शन है, सेक्शन 115JC। ठीक है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का क्या मतलब होता है कि आपको मिनिमम इतना टैक्स क्या करना है, पे करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ,
हायर ऑफ फॉलोइंग मतलब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो टैक्स आपको पे करना है। सो आपका टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? हायर ऑफ फॉलोइंग। सो इसके अंदर उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है दैट 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम मीन्स वो क्या होता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, तो ये आपका नंबर वन हो गया। नंबर टू, नॉर्मल टैक्स आपने जो दोस्तों क्या किया है, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट की है, ठीक है, उन दोनों में से जो भी ज़्यादा वाला फिगर होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। सो हायर ऑफ द फॉलोइंग, ओके। सो अभी क्या होगा, ये 18.5% आपको किसका करना है फ्रेंड्स, तो वो करना है एडजस्टेड टोटल इनकम का। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम? सो एडजस्टेड टोटल इनकम का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने कहा है कि आपका जो भी टोटल इनकम होगा उस टोटल इनकम के अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, ठीक है। तो तीन एडजस्टमेंट ही करने, ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, तीन एडजस्टमेंट है। तो पहला, अगर आपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ठीक है, नाउ ये 10AA किसका है, तो प्रॉफिट फ्रॉम SEZ यूनिट, जिसमें आपको टैक्स में क्या दिया जाता है, डिडक्शन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपोर्ट टर्नओवर, ठीक है। तो अगर आपने उसका डिडक्शन लिया होगा तो वो हम वापस से ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। सेकंड, अगर आपने डिडक्शन क्लेम किया है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD, तो वो भी हम आपसे वापस ले लेंगे। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD होगा, वो भी हम क्या ले लेंगे, आपसे वापस ले लेंगे। बट उसमें से हम एक नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस दे देंगे, क्योंकि डिडक्शन क्या होता है अंडर सेक्शन 35AD में, जैसा फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा कि आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसका हम आपको 100% क्या दे देते हैं, डिडक्शन दे देते हैं। तो आपको 100% हम क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। लेकिन अगर 100% डिडक्शन नहीं दिया होता तो डेप्रिसिएशन तो दिया होता, इसलिए उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन के इफेक्ट को आप क्या कर दो, हटा दो, ठीक है। एंड देन थर्ड, थर्ड क्या आएगा, तो थर्ड आएगा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, मतलब जो ग्रॉस टोटल इनकम है, ओके। तो उसके अंदर ATH से लेकर ATRRB, ठीक है, तक के जो भी डिडक्शन आपने लिए हैं एक्सेप्ट ATP। अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे, पर ATP किसका होता है, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगे उसके लिए क्या होता है, डिडक्शन मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो इनकम होती है ATP के अंदर, ओके। तो उसकी इफेक्ट को आपको नहीं हटाना है। आप जैसे ही यहाँ पे जो इनकम आती है, ठीक है, सो ये आपकी जो भी इनकम होगी इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड टोटल इनकम। आपको इस इनकम का 18.5% करना है। बट मान लो कि कोई टैक्स पेयर है, उसने ना 10AA का डिडक्शन लिया है, ना 35AD का लिया है, ना ATH टू ATRRB का लिया है, तो कैन वी से दैट, के हम ध्यान से सुनना, कैन वी से दैट के हम 115JC के अंदर टैक्स पे करेंगे ही नहीं, ठीक है। और सेक्शन 115JC में आपको तभी टैक्स पे करना होता है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जब आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम, ध्यान से सुनना, जब भी दोस्तों आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम किसको एक्सीड कर जाती है, तो किसको एक्सीड कर जाती है, ₹20 लाख को एक्सीड करती है, तभी आपको क्या करना है, 115JC के अंदर टैक्स पे करना है, ठीक है। बट मान लो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम होती है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, 115JC एप्लीकेबल नहीं होगा। वो सब कुछ तो है, लेकिन वो सब कुछ करने से पहले, 20 लाख को चेक करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या असेसी ने 10AA का डिडक्शन लिया है, 35AD का डिडक्शन लिया है, क्या उसने ATH से ATRRB का डिडक्शन लिया है। अगर वो लिया हुआ होगा तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, 115JC का टेस्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे कि 20 लाख से ज़्यादा इनकम है या नहीं है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, क्लियर। सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और, ओके। नाउ एग्जाम्पल सुनिएगा, अभी यहाँ पे आपका
जो भी टोटल इनकम है, ठीक है, वो टोटल इनकम आपका है 8 लाख रुपीस, ये आपका टोटल इनकम है, ठीक है। नाउ मिस्टर एक्स हैं, जिन्होंने कुछ डिडक्शन क्या किए हुए हैं, क्लेम किए हुए हैं, ठीक है। उन्होंने एक डिडक्शन क्लेम किया है अंडर सेक्शन 35AD, ठीक है। कुछ कितना डिडक्शन उन्होंने क्लेम किया है, 30 लाख रुपीज़ का डिडक्शन उन्होंने क्लेम किया है। अंडर सेक्शन 10AA कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम किया। अंडर चैप्टर 6A उन्होंने कोई डिडक्शन नहीं क्लेम किया। फ्रॉम 80H to 80RRB उसमें कोई भी डिडक्शन उन्होंने क्लेम किया नहीं है। ओके ये जो डिडक्शन इन्होंने क्लेम किया है, ये उन्होंने क्लेम किया है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले तो हम जो नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसके मुताबिक कैलकुलेट कर लेते हैं। उनका नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? तो अप टू 2.5 तक हम ऐसा मान के चलते हैं कि एसएससी का एज 60 ईयर से कम है, तो उनका टैक्स लायबिलिटी नील रहेगा अप टू 2.5 तक। 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% रहेगा, 12,500। एंड 5 लाख से कहाँ तक? तो 5 लाख से 8 लाख तक कितना रहेगा? तो वो रहेगा 20%। ओके ये 3 लाख का 20 कितना आ गया? 60,000। टोटल कितना हो गया? तो 72,500, ठीक है। ये आपका फ्रेंड्स क्या आ गया? टैक्स 4% सेज आपको ऐड करना है, ठीक है। तो 4% सेज ऐड करने के बाद जो भी अमाउंट आता है, ओके, इट इज़ अ 2900। ओके अभी ये तो हमने टैक्स कैलकुलेट किया नॉर्मल प्रोविज़न के मुताबिक, ठीक है ना। इग्नोर क्या इग्नोर करना है? सेक्शन 115BAC जो ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है। एंड एज सच ये यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेक्शन 115BAC अगर कोई एसएससी ऑप्ट कर लेता है, ठीक है, देन आपको यहाँ पे कोई भी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स प्रोवे नहीं करना है। तो नो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, मतलब वंस यू आर इन सेक्शन 115BAC, सॉरी, वंस यू आर इन सेक्शन 115BAC, सॉरी फ्रेंड्स वो स्क्रीन डिसअपियर हो गया था ना, अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था ये वाला पार्ट, ठीक है। फाइंड आउट टैक्स लायबिलिटी हमने इग्नोर क्या किया? सेक्शन 115BAC आपको इग्नोर करना है, ठीक है। ये उनका नॉर्मल टैक्स आया, ठीक है, किसके ऊपर? तो 8 लाख रुपीज़ की इनकम हमने अज्यूम की थी और इसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट किया है। 2.5 तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 एंड 5 to 8, देन 4% सेज हमने ऐड किया। दूसरा हमें क्या है कि वंस वी आर इन सेक्शन 115BAC, मतलब अगर मैं ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में जाता हूँ तो फिर उस केस में कोई मिनिमम टैक्स मुझे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो सेक्शन 115JC जिसमें आपको ये बताया हुआ है AMT, वो क्या होगा? नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ। तो AMT क्या होगा दोस्तों? एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इसलिए हमने इसको इग्नोर किया हुआ है। तो हमें AMT को क्या करना है अभी? इग्नोर करना है, सॉरी, BAC को इग्नोर करना है, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वाला। नाउ अभी हम बात करते हैं सेक्शन 115JC, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अभी टोटल इनकम है कितना? तो टोटल इनकम है कितना? तो वो आपको दे रखा है 8 लाख। इसमें से हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है? तो जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD हमने क्लेम किया था, तो वो हमने क्लेम किया है 30 लाख। तो ये डिडक्शन हम आपको नहीं देंगे, ओके। तो उसको नहीं देंगे पर डेप्रिसिएशन तो देना पड़ेगा ना, तो यहाँ से हम माइनस करते हैं नोशनल डेप्रिसिएशन, ओके। तो अभी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता कितना है? तो वो मिलता है 15%। कितना मिलता है? 15। तो 30 लाख का 15% कितना होगा? 4.5 लाख रुपये होगा, ठीक है। आपको 26,50,000 इफेक्टिवली यहाँ पे ऐड करने, तो ये हो गया 26,50,000 इफेक्टिवली ऐड करने के बाद, ओके, 25,50,000 होगा, सॉरी फ्रेंड्स, 25,50,000, ओके। ये 25,50,000,
प्लस आपको क्या करना है, 8 लाख रुपीज़ आपको ऐड करना है, तो ये 33 लाख कितना आएगा, 50,000। ओके, इसका आपको क्या करना है, तो इसका आपको 18.5% मल्टीप्लाई करना है। 18.5% मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आती है टैक्स की वैल्यू, उसको आपको इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है 72,500 के साथ, ठीक है। उन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आप क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। तो सब लोग कैलकुलेटर पे करिएगा फ्रेंड्स, 33,50,000 उसका आपको 18.5% करना है। ओके, तो ये हो गया 6,19,750, ठीक है। सो ये आपका एडजस्टेड टोटल इनकम का 6,19,750 हो गया, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4% सेज ऐड करना है। तो 4% सेज हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो वो कितना होगा, तो 4% 24,790। ओके, दोनों का एडिशन करिए, 6,19,750 प्लस 24,790। ओके, 650, सॉरी 644,540, इतना आपका मिनिमम टैक्स आ रहा है। एंड देन यहाँ पे 72,500 प्लस 2,900, तो ये आपका टैक्स आ रहा है 75,400। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। तो टैक्स लायबिलिटी इस केस में आपका क्या होगा, तो वो होगा 6,44,540 रुपीज़। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एडजस्टेड टोटल इनकम भी उनका कितना है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से भी ज़्यादा है। ओके, तो उनको फ्लैट 18.5% देना पड़ेगा। तो सर ये देखो, हमें टैक्स देना था 75,400 और हमने टैक्स दिया 644,540, तो इस केस में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे मैट क्रेडिट, सॉरी AMT क्रेडिट। क्या नाम देंगे इसको, इसको हम नाम देंगे AMT क्रेडिट। ओके, सेक्शन 115, इसका भी एक सेक्शन है दोस्तों, पर वो याद नहीं रखना है, चलेगा। ओके, सो कितना होगा, 644,540, उसमें से माइनस करना है 75,400। ओके, तो नेक्स्ट ईयर आप इस क्रेडिट को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। सो कितना आएगा, 644,540 माइनस 75,400, ठीक है। सो ये हो गया आपका 569,140, ये आपका फ्रेंड्स हो गया टैक्स लायबिलिटी। तो इतना, सॉरी, ये आपका हो गया मैट क्रेडिट, AMT क्रेडिट, नॉट अ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी तो आपका कौन सा रहेगा, ये वाला, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माइंड पॉइंट। तो ये AMT वाला आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में काफ़ी कम बार पूछा हुआ है, बट स्टिल पता होना चाहिए कि अगर आपने कुछ तीन सेक्शंस के बेनिफिट लिए होंगे, 35AD, 10AA एंड 80H से 80RRB का कहीं आपने बेनिफिट लिया होगा, तो उस केस में हमें उस इनकम को एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो जो भी एडजस्टेड टोटल इनकम आई है उसका हमें 18.5% करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। सारे स्टेप्स मैं इन डिटेल में तो नहीं पढ़ूंगा, ओके, सिर्फ 115BAC को हम देखेंगे। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ 11 स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, उसमें आपको पेज नंबर 8.15 पे दे रखा है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT। ओके, AMT में मैंने आपको बताया कि तीन एडजस्टमेंट्स आपको करने हैं फ्रेंड्स, एडजस्टेड टोटल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको तीन एडजस्टमेंट करने हैं। पहला जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA आपको मिल रहा है, वो 35AD का एडजस्टमेंट आपको करना है, पर उसमें से नोशनली डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है। और अगर आपने कोई डिडक्शन 80H से 80RRB में क्लेम किया हुआ है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करना है। तो उसके लिए क्या है, तो 80H से 80RRB कितने सेक्शंस आते हैं जो इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो एक आएगा 80JJA, एक आएगा 80RRB और एक आएगा 80QQB। अगर इन तीन सेक्शन का आपने डिडक्शन लिया है तो वो आपको एडबैक करना है। फिर मैंने आपको बताया टैक्स क्रेडिट भी होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना। उसके बाद स्टेप नंबर 13,
examine whether or not to exercise the option under section 115 BAC for availing the concessional tax rate. तो आपको क्या बताया कि 115 BAC के अंदर कौन लोग जाना पसंद करेंगे, तो जो लोग डिडक्शन ज़्यादा क्लेम नहीं करते, तो मान लो कि जो लोग डिडक्शन ज़्यादा क्लेम नहीं करते वो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में जाना पसंद करेंगे. सो ये आपको कंपेरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन के अंदर आपका टैक्स लाइबिलिटी कम रहता है. ठीक है, तो आप वो ऑप्शन क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे. ठीक है, बट मान लो कि कोई इंडिविजुअल है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है ATs LIC के अंदर और उन सब के अंदर, तो इन दैट केस आपको उसका डिडक्शन मिल रहा है तो आप उसको क्या करोगे, तो क्लेम कर सकते हो. ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि विदाउट डिडक्शन मेरी टैक्स लाइबिलिटी क्या रहती है. ओके, सो आप देख पा रहे होंगे पेज नंबर 8.17 पे दे रखा है सेक्शन 115 BAC. सो उसमें लिखा है ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट अ कंसेशनल टैक्स स्लैब रेट. सो एज पर सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल और HUF हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम अदर देन द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट अ स्पेशल रेट. ओके, मतलब जो 112, 112A और जो 111A में दे रखा है वो जो टैक्स रेट दे के रखे हैं वो तो आपको एप्लीकेबल होंगे, उसमें आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते हो. ठीक है, एट द फॉलोइंग कंसेशनल रेट सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115 BAC. तो इसमें लिखा है अप टू 2.5 तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 7.5 10 लाख, 7.5 टू 10 लाख 15, 10 टू 12.5 कितना आएगा 20, देन 12.5 टू 15 25 एंड अबव 15 होगा तो कितना लगेगा 30% लगेगा. क्या कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी है, तो कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग द कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स, द फॉलोइंग कंडीशन आर द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग द कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्स. तो उसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, उसमें सर्टेन डिडक्शन जो आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है, ये सारे डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे. तो पहला, आपको LTC का बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो लीव ट्रैवल कंसेशन का अगर आपने बेनिफिट लिया है तो हम नहीं देंगे. HRA का अगर आपने एग्जम्पशन क्लेम किया है अंडर द सैलरी चैप्टर तो वो हम आपको नहीं देंगे. सेक्शन 10 क्लास 14 के अंदर लिखा है एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंसेस और द बेनिफिट टू मीट द एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ड्यूटीज ऑफ अ पर्सनल एक्सपेंस अदर देन दोज एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस. तो सेक्शन 10 क्लॉज 14 के अंदर जो एग्जम्पशंस आपको दे रखे हैं, जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, तो उसका भी हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे. फिर डेली अलाउंस और द कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ऑफ MP एंड MLA, तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं लेना है. 1032, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो. तो 1032 में क्या है, आपको भी पता है कि जब क्लबिंग करते हैं तो 1500 रुपीज़ पर मंथ, सॉरी पर मंथ नहीं, पर चाइल्ड हम क्या करते हैं, एग्जम्पशन दे देते हैं. ओके, तो अभी वो नहीं मिलेगा अगर आप सेक्शन 115 BAC में बेनिफिट क्लेम कर रहे हो तो. फिर आपको दे रखा है सेक्शन 10AA टैक्स हॉलीडे फॉर द यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड इन SEZ. तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर है आपका बिजनेस तो अगर उसमें आपने डिडक्शन लिया होगा तो वो हम वापस से आपकी इनकम में ऐड कर देंगे. ठीक है, फिर आपको दे रखा है सेक्शन 16. तो सेक्शन 16 के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 का मिल रहा है वो हम नहीं देंगे. तो ये कैसी बात हो गई कि जो टैक्स रेट्स हैं उसको कम कर दिया पर जो बेनिफिट्स आपको दे रहे थे वो देना बंद कर दिया. तो एक तरफ जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे थे वो बंद कर दिए और टैक्स रेट्स को उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया. तो ऐसा हो सकता है कि मोर और लेस किसी के लिए फेवरेबल हो सकता है, किसी के लिए फेवरेबल नहीं भी हो सकता. सो वो आपको चेक करना है कि अगर आपके लिए फेवरेबल है तो यू कैन गो विद द 115 BAC, अदरवाइज तो जो नॉर्मल स्कीम है उसी में आप कंटिन्यू कर सकते हो. सो यहाँ पे वही दिया हुआ है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी, फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको दिया है, प्रोफेशनल टैक्स आपको दिया है. ओके, फिर आपको सेक्शन 24 क्लॉज बी दिया हुआ है, उसमें दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. क्या दिया हुआ है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. ठीक है, तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आपने क्या की है, परचेस की है और उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ही यूज़ कर रहे हो, तो आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होता है उसका जो इंटरेस्ट होता है उसका आपको डिडक्शन मिलता है, तो वो आपको मिलना बंद हो जाएगा. ठीक है, तो वो एक हम आपको एडजस्टमेंट नहीं करने देंगे. हावेवर लेट आउट प्रॉपर्टी होगा तो हम आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट आउट प्रॉपर्टी होगा, कौन सा प्रॉपर्टी होगा, लेट आउट प्रॉपर्टी होगा तो डिडक्शन क्या होगा, अवेलेबल. ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. फिर आपको यहाँ पे दे रखा है सेक्शन 35,
तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, तो इन सब का आपको कोई डिडक्शन मिलेगा नहीं। अंडरस्टूड? तो अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन करते हो टू आउटसाइडर तो हम आपको उसका डिडक्शन नहीं देंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पर अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हो तो अगर आप इन हाउस रिसर्च करते हो तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। ये सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि जो आपने कंट्रीब्यूशन किया है, ओके, टू आउटसाइडर्स। सेक्शन 35AD, तो उसका भी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। अगर आप 115BAC के अंदर क्या कर रहे हो, बेनिफिट क्लेम कर रहे हो, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको अलग अलग सेक्शंस में मिलते थे वो गवर्नमेंट ने वापस ले लिए और आपके लिए टैक्स रेट कम कर दिया। ओके, तो मान लो कि जो लोग इसका बेनिफिट लेते ही नहीं थे तो वो लोग तो ईजिली 115BAC में क्या कर लेंगे, अपना टैक्स लायबिलिटी पे कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो वैसे भी उसका कोई बेनिफिट नहीं लेते थे। फिर आपको दिया हुआ है 35CCC, तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, तो उसका भी हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ATC से ATU, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब LIC का प्रीमियम पे किया, PPF में पैसा है डिपॉजिट किया, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, उसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर आप 115BAC में आना चाहते हो तो। ठीक है, सो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अदर देन द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स NPS, तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा टू NPS तो उसका हम आपको क्या देंगे, डिडक्शन देंगे। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ न्यू एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 80JAA, इसका मिलेगा और एक ये वाला मिलेगा और किसी का भी नहीं मिलेगा। ठीक है, नाउ अभी हुआ क्या, मान लीजिए कि इन द असेसमेंट ईयर 21-22 आप ऑप्ट कर रहे हो, कौन सा बेनिफिट ऑप्ट कर रहे हो, तो जो बेनिफिट आपको सेक्शन 115BAC में दे रखा है उसको आप ऑप्ट कर रहे हो। हावेवर आपके पास कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हैं। ठीक है, वो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस किसको एट्रीब्यूट करते हैं, तो सेक्शन 35AD में जो आपका दोस्तों कौन सा लॉस था, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस था। कौन सा लॉस था, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस था, या तो फिर लॉस जो उसके डिडक्शन की वजह से आया। जैसे हम बात करते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन, तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन में भी कुछ एडिशनल डेप्रिशिएशन का पार्ट था। तो आपको ये दोनों ही चीज़ों को क्या करना है, आपको ये दोनों ही चीज़ों को क्या करना है, इग्नोर करना है जब आप सेक्शन 115BAC के अंदर ऑप्शन को ऑप्ट करते हो। मतलब ये जो आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होगा वो अभी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सर्टेन लॉस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, तो वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम एंड सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस। ओके, तो उसमें दिया हुआ है, कैरी फॉरवर्ड एंड डेप्रिशिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट इफ सच लॉस और डेप्रिशिएशन, अंडरलाइन करिएगा, इज एट्रिब्यूटेबल टू एनी डिडक्शन, एनी ऑफ द डिडक्शन रेफर टू इन वन अबव और अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विथ एनी अदर हेड ऑफ इनकम वुड नॉट बी अलाउड। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखना। तो अगर कोई लॉस जो उस पर्टिकुलर डिडक्शन को रिलेट कर रहा है जिसका सेक्शन 115BAC में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, अगर वो डिडक्शन अगर आपने लिया होगा तो उसको भी हम क्या कर देंगे, डिडक्शन लेने नहीं देंगे। सो ये ध्यान रखना दोस्तों। फिर डेप्रिशिएशन और एडिशनल डेप्रिशिएशन, तो जो एडिशनल डेप्रिशिएशन है वो तो आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हाईवर जो नॉर्मल डेप्रिशिएशन आपको मिलता है वो हम आपको दे देंगे। ठीक है ना, लेकिन मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर असेट के ऊपर आपका डेप्रिशिएशन का रेट 40% से ज़्यादा है, तो इन दैट केस हम डेप्रिशिएशन का जो रेट है उसको 40% तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, क्लियर? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा रेट आपको दे रखा है जिसमें डेप्रिशिएशन का रेट 40% से ज़्यादा है, ओके, तो इन दैट केस हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करके कहाँ ला देना है, तो उसको ला देना है 40% तक। ओके, ये एडिशनल पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें कि 115BAC के अंदर अगर आप ऑप्ट करते हो तो जो भी डेप्रिशिएशन और जो एडिशनल डेप्रिशिएशन की वजह से जो लॉस आया एडिशनल डेप्रिशिएशन का, तो वो लॉस हम सेट ऑफ
नहीं करने देंगे, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ मिस्टर एक्स हु कैरी ऑन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ही हैज़ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज ऑन 1 अप्रैल 2020 विच इंक्लूड्स एन अमाउंट एट्रिब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 और एनी अर्लियर असेस प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BA(c) फॉर प्रीवियस ईयर 2021 रेलिवेंट टू असेसमेंट ईयर 2021-22 द अमाउंट सो एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ अर्लियर ईयर्स रिमेनिंग अनएब्जॉर्ब एज ऑन 1 अप्रैल। मतलब वो जो डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का कॉम्पोनेंट था ना, उसके अंदर ऑलरेडी एडिशनल डेप्रिसिएशन की फिगर इंक्लूडेड है। वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट द करंट ईयर इनकम। अकॉर्डिंगली द WDV ऑफ द ब्लॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2021 हैज़ टू बी इंक्रीज बाई द सेड अमाउंट नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। ओके, सो ये ध्यान रखना है आपको। तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का वैल्यू है उसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का वो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ये बेनिफिट मुझे कब तक ले लेना है। द कंसेशनल रेट वुड बी एप्लीकेबल ओनली इफ द ऑप्शन इज एक्सरसाइज इन द प्रिस्क्राइब मैनर। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे लिखा है नो इनकम, मतलब उनके पास बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो कोई अदर इनकम है, अदर देन PGEP वाली इनकम है। तो वेयर सच इंडिविजुअल और HUF हैज़ नो बिजनेस इनकम एंड द ऑप्शन हैज़ टू बी एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। तो 139(1) का जो टाइम लिमिट है उस दिन से पहले पहले आपको अवेल कर देना है। फॉर अ प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर इफेक्ट सच इंडिविजुअल और HUF कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इन ईच प्रीवियस ईयर। ही मे चूज टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इन 1 ईयर एंड नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन इन द अनदर। तो इट इज़ अप टू यू। तो मान लो कि आपके पास कोई भी बिजनेस इनकम नहीं है या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, आप को सैलरी इनकम ही हो रहा है, तो फिर आपके पास एवरी ईयर ऑप्शन रहेगा कि आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हावेवर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल या HUF है जो एक्सक्लूसिवली बिजनेस इनकम या तो फिर उसके पास उसके टोटल इनकम में बिजनेस इनकम है, तो इन दैट केस वो ये ऑप्शन एक बार ऑप्ट करता है तो फिर उसको कंटिन्यूअसली सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में इसी ऑप्शन के साथ दोस्तों जाना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे वही लिखा है, इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन द ऑप्शन हैज़ टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एनी प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू AY 21-22 और एनी लेटर असेसमेंट ईयर। वंस द सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, एक बार आप इस ऑप्शन में आ गए, इट वुड बी अप्लाई टू सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो वो सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या होगा, अप्लाई होगा। द ऑप्शन कैन बी विदड्रॉन ओनली वंस वेर इट वॉज एक्सरसाइज बाई द इंडिविजुअल और HUF हैविंग बिजनेस इनकम फॉर प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वॉज एक्सरसाइज। देर आफ्टर द इंडिविजुअल HUF शैल नेवर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट वेर सच इंडिविजुअल और HUF सीज टू हैव एनी बिजनेस इनकम। मतलब एक बार आपने बिजनेस इनकम में ये बेनिफिट ले लिया 115 BA(c) का, तो आपको कंटिन्यूसली इसी में जाना पड़ेगा। हावेवर, मान लो कि आप 3-4 साल बिजनेस बंद कर, मतलब 3-4 साल के बाद बिजनेस बंद कर देते हो, देन यू आर एलिजिबल अंडर द नॉर्मल, वो कि आपको एवरी ईयर जो ऑप्शन सिलेक्शन का बेनिफिट मिलता है वो आपको मिल जाएगा। कॉन्सिक्वेंस फॉर फेलियर टू सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर आप ऊपर की कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर पाते हो तो फिर उस केस में वो जो नॉर्मल स्कीम होगी उसके मुताबिक हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। AMT, मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आप सेक्शन 115 BA(c) के अंदर फॉल होते हो तो आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो हम बेनिफिट 10AA और 35AD है उसकी इफेक्ट मैं ऑलरेडी हटा दे रहा हूँ। जब मैं 115 BA(c) के अंदर इनकम कैलकुलेट करूँगा तो वो जो इनकम होगी उसके अंदर ऑलरेडी सारी इफेक्ट मैंने हटा दी है, तो 115 JC मतलब जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है उसको अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है, ओके, क्योंकि जो
एडजस्टमेंट हम 115JC के लिए करते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के लिए, वही एडजस्टमेंट हमने सेक्शन 115BAC के लिए भी कर लिए ना, तो दो तरफा थोड़ी हो सकता है। ओके सो ये ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट में जो भी टैक्स लायबिलिटी आपकी आती है उसमें से जो भी एडवांस टैक्स TDS TCS वगैरह है वो आपको क्या करना है, माइनस करना है। फिर जो टैक्स अमाउंट आएगी वो टैक्स पेएबल होगा या तो फिर रिफंडेबल होगा। अंडरस्टूड? तो ये कुछ था टोटल इनकम का जो थियोरेटिकल डिस्कशन हमें करना था, ठीक है। और यहाँ पे आपको इजी वे में कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर आप उसको करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस हमें करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है। ओके सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो टैक्स पेयर है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, एंड देन उसकी जो अदर इनकम होगी वो उस बेसिस पे डिसाइड होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जो नॉन रेसिडेंट होता है उसको सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगा। हाउएवर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो उसको इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होगा एंड फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होगा। एज सच इंडियन इनकम तो सबको टैक्सेबल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस चार्ली एन अमेरिकन नेशनल गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया इन USA ऑन 2 मार्च 2020 एंड कम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 मार्च 2020। शी लेफ्ट फॉर द USA ऑन 19 सितंबर 2020। शी रिटर्न टू इंडिया अगेन ऑन 27 मार्च 2021। वाइल इन इंडिया शी हैड परचेज अ शोरूम इन मुंबई ऑन 22 अप्रैल 2020। मतलब जब वो इंडिया में थे तब उन्होंने ये कुछ शोरूम परचेज किया है मुंबई के अंदर, विच वॉज लीज आउट टू अ कंपनी ऑन अ रेंट ऑफ ₹25,000 पर मंथ। फ्रॉम फर्स्ट मई 2020 शी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर परचेज ऑफ दिस शोरूम ऑन विच द बैंक हैज़ चार्ज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹97,500 अप टू 31 मार्च 2021। शी हैड रिसीव्ड द फॉलोइंग कैश गिफ्ट फ्रॉम हर रिलेटिव एंड द फ्रेंड्स ड्यूरिंग 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड 51,000। फ्रॉम द मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड तो वो आपको दिया हुआ है 11,000। फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड 1,51,000 एंड 21,000 आपको मिला है। सो आपको भी पता है कि जो गिफ्ट होता है तो वो गिफ्ट अगर आपको मिलता है तो वो IFOS के अंदर टैक्सेबल होता है, प्रोवाइडेड वो 50,000 से ज़्यादा की वैल्यू का होना चाहिए। बट अगर गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिला होगा, दोस्तों किससे मिला होगा गिफ्ट, अगर आपको किससे मिला हुआ है रिलेटिव से मिला है तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। ओके तो देखते हैं। सो सबसे पहले तो आपको इसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है डिटरमाइन हन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूटर टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन सच इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। वुड हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज अज्यूमिंग दैट शी इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज इज 18 लैक्स एंड शी इज़ नॉट लायबल टू टैक्स इन USA। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ए वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो जो मिस चार्ली हैं वो अमेरिकन नेशनल है एंड कहीं बताया नहीं कि वो इंडियन ओरिजिन है या कहाँ से, तो हम ऐसा ही समझते हैं कि वो अमेरिकन ओरिजिन ही है। सो अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार इंडिया आता है, ठीक है, मतलब फॉरेन सिटीजन इंडिया आता है, तो हमें जो बेसिक कंडीशंस हैं आपको भी पता है कि 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वो इंडिया में होना चाहिए। हाउएवर उसमें कुछ कोविड के रिलैक्सेशन भी है, बट वो हमारे अमेंडमेंट के सेशन आएंगे उसमें मैं बताऊंगा। तो उसके अंदर कोविड का भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, बट जो जनरल कंडीशन है वो 182 डेज उसका स्टे होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जो कौन मिस चार्ली हैं वो फर्स्ट टाइम इंडिया कब आई है, तो केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 मार्च 2020, ठीक है। शी लेफ्ट फॉर USA ऑन 19 सितंबर 2020। तो हमें तो कहाँ से काउंट करना है, अगर हम बात करें जो प्रीवियस ईयर 2021 है, ठीक है, तो हम तो काउंटिंग करेंगे 1 अप्रैल 2020 से कहाँ तक, तो जब तक वो इंडिया में थे, तो 19 सितंबर 2020 को वो इंडिया छोड़ के गए,
लेकिन वापस एक 27 तारीख को वापस आए, तो 27/3/2021 से वो वापस भी आए इंडिया में। 31 मार्च 2021 तक इंडिया में थे, तो ये पूरा उनका स्टे रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का उनका जो स्टे है उसको काउंट करना पड़ेगा, एंड देन वो मार्च में जो 4-5 दिन के लिए आए हैं, 4 दिन के लिए, उसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा। आपको पता है डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर आपको दोनों काउंट करने होते हैं, ठीक है। सो हम काउंट करते हैं जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने होंगे। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मंथ, और उनके जो भी नंबर ऑफ डेज होंगे वो। ओके सो कौन सा मंथ है, अप्रैल, तो उसके तो पूरे 30 डेज काउंट होंगे। देन मई मंथ होगा, उसका 31 पूरा काउंट होगा। देन जून, उसका पूरा 30 काउंट होगा। जुलाई होगा, उसका पूरा 31 काउंट होगा। देन अगस्त, उसका भी 31 काउंट होगा। एंड सितंबर होगा, उसका कितना काउंट होगा, 19, ठीक है। फिर जब वो सेकेंड टाइम इंडिया में आए, तो मार्च के अंदर आए, तो मार्च के अंदर टोटल 31 डेज होते हैं, बट वो पहले 26 डेज इंडिया में नहीं थे, 27 को थे, तो 27 को तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो 31 माइनस इसमें से कितना करूँगा, 26 डेज, मतलब ये कितना होगा, ये हो गया 5 डेज, ठीक है। और इन सब का मुझे टोटल करना है। ओके सो 30 30, देन 31, देन प्लस 30 31 31 एंड 19। ओके सो टोटल ये आ गया 172 प्लस 5, सो टोटल हो गया 177 डेज। ओके सो अभी इस केस में क्या होगा, ये जो मिस चार्ली हैं वो इंडिया का क्या रहेंगे, तो वो नॉन रेसिडेंट रहेंगे। तो दोस्तों नॉन रेसिडेंट के अंदर एज पर सेक्शन 6 हमने इनका रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट किया, मतलब फाइंड किया। अभी जो फॉरेन इनकम होगा, जो भी फॉरेन इनकम होगा, वो नॉन रेसिडेंट के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम होगा वही क्या होगा दोस्तों, टैक्सेबल होगा। ओके ठीक है, सो ये ध्यान रखना। अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है वो थोड़ा बहुत मैं अभी आपको आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। सो दैट वो जो सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो आपको समझ में आएगा। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ फॉरेन सिटीजन, बट वो फॉरेन सिटीजन कहाँ से होता है, इंडियन ओरिजिन से होता है। कहाँ से होता है, इंडियन ओरिजिन से होता है, तो वो फॉरेन सिटीजन इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। तो रेसिडेंट बनने के लिए इंस्टेड ऑफ 182 डेज हैं, उसकी जगह आपको काउंटिंग के लिए कितना लेना है, तो उसके लिए आपको काउंट करना है 120 डेज, ठीक है। प्लस प्लस कंडीशन एक और है, 365 डेज ड्यूरिंग 4 प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये अगर उसका स्टे हुआ, प्लस अगर उसकी इनकम, एंड उसकी इनकम 15 लाख रुपीज़ से क्या हुई दोस्तों, ज़्यादा हुई। कितने से ज़्यादा हुई, 15 लाख रुपीज़ से उसकी इनकम क्या हुई, ज़्यादा हुई, तो उसको हम डीम टू बी रेसिडेंट बोलेंगे इंडिया का, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। बट वो पर्सन इंडिया का क्या होना चाहिए, तो वो पर्सन इंडिया का ओरिजिन होना चाहिए, मतलब इंडियन ओरिजिन, मतलब इधर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हुए होने चाहिए। सो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 देखा उसमें क्या लिखा हुआ है, कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि वो इंडियन ओरिजिन है। हाउएवर सेकेंड क्वेश्चन में ज़रूर लिखा है, ठीक है, बट उसके अंदर क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी पहले का आंसर देखते हैं। तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस तो क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी उसकी इनकम का हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उनको 25,000 पर मंथ उनको रेंट मिलता है, ठीक है। सो 25,000, आप हाउस प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, तो 25,000 पर मंथ आपको रेंट मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाय हम कितना करेंगे, 11 मंथ्स, तो आपका रेंटल इनकम हो गया 2,75,000। ये आपका हो गया जी ए वी 2,75,000 हो गया। ओके इसमें से आपको माइनस क्या करना है, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, तो जो भी म्यूनसिपल टैक्सेस पेड है वो माइनस करना है, तो वो कुछ भी नहीं दे रखा है, तो 2,75,000 आपका एनएवी आ जाएगा।
उसमें से दोस्तों आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है, ठीक है। एंड जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, तो वो जो अमाउंट उन्होंने बोरो की है फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो भी हमें माइनस करना है। तो एक इंटरेस्ट का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है 97,500, तो वो यहाँ से मैं माइनस करूँगा 97,500। एंड 2,75,000 का आपको कितना परसेंटेज करना है, 30%, आई थिंक वो होगा 82,500, ठीक है। इन दोनों को फिगर को आप माइनस करोगे तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो मिल जाएगा, ओके। सो 2,75,000 माइनस 82,500 माइनस 97,500, ओके। सो ये 95,000 आपका इनकम हो गया फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर आपको कुछ गिफ्ट भी मिल रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो गिफ्ट आपको मिला कहाँ से, तो फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड। तो स्पाउस के पेरेंट्स रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, इवन स्पाउस के जो भी ब्रदर सिस्टर होंगे वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे, और उनके स्पाउस मतलब जो स्पाउस का भाई या सिस्टर जो भी है और उनके भी स्पाउस, ठीक है। मतलब क्या हो गया, तो फिर उस केस में मान लीजिए कि स्पाउस के सिस्टर है उनका हस्बैंड, ठीक है, तो वो भी आएगा। तो इन दैट केस यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, तो ये भी आएगा रिलेटिव की डेफिनेशन में। फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स, मतलब ये तो टैक्सेबल नहीं होगा, ये भी टैक्सेबल नहीं होगा, बट ये जो क्लोज फ्रेंड वाला है वो टैक्सेबल होगा, 1,72,000 पूरा, ओके। सो ये आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। सो मैं नीचे आंसर में जाके देखता हूँ, ये 275 आया, ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम 95 जो हमने कैलकुलेट की, एंड देन ये एग्जेम्प्ट होगा, ये भी एग्जेम्प्ट होगा, ये 1,72,000 क्या होगा, टैक्सेबल। सो योर टोटल इनकम विल बी 2,67,000। फिर उन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया है, तो टैक्स कुछ इतना आया हुआ है, एंड 880 राउंड ऑफ करने के बाद टैक्स आया। तो सर रिबेट नहीं मिलेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है, रेसिडेंट को मिलता है। इस केस में जो मिस चार्ली है वो कौन है, तो वो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, तो उनको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। नाउ अभी सेकेंड देखते हैं, देखें, वुड हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर गो एनी चेंज अज्यूमिंग दैट शी इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज इज 18 लैक्स। तो देखो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, कि 120 डेज वो इंडिया में होना चाहिए, तो वो है। फिर उसका इनकम 15 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी है। उसका स्टे 365 डेज होना चाहिए ड्यूरिंग फोर प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग फोर प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर उसका स्टे इंडिया में होना चाहिए। पर वो पहली बार इंडिया में कब आए, आप देख सकते हो, पहली बार इंडिया में वो 16 मार्च को आए, तो उससे पहले तो वो इंडिया में होंगे नहीं, तो इन दैट केस ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो इवन इफ दैट पर्सन, मतलब इवन इफ द मिस चार्ली इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, पर फिर भी उनका स्टेटस क्या रह जाएगा, नॉन रेसिडेंट ही रह जाएगा, ठीक है। सो ये ध्यान रख, क्लियर। सो यहाँ पे उसका आंसर लिखा होगा, डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखा है, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस चार्ली इन केस शी इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज एक्सीड्स रुपीज़ कितना दिया हुआ है, 18 लैक्स, ओके। सो ये पढ़ सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखिए। नाउ डॉक्टर निरंजना अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज उनका कितना है, 60 ईयर्स है, इस रनिंग क्लिनिक इन सूरत। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 इज एज अंडर, तो उसमें दिया हुआ है कंसल्टेशन एंड द मेडिकल चार्जेस 58,85,850। इनकम टैक्स रिफंड है प्रिंसिपल 5,000 एंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको, 450। नाउ ये जो इनकम टैक्स रिफंड होता है ना दोस्तों, वो आपका इनकम नहीं होता है, नॉट एन इनकम, तो उसको हम टैक्सेबल नहीं कर सकते। पर ये जो इंटरेस्ट होगा ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा, ओके। सो ये ध्यान रखना, बट ये कहाँ होगा, ये होगा IFRS के अंदर, ठीक है, ये बिजनेस इनकम नहीं है आपका। डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI, तो ये भी अमेंडमेंट के सेशन में हम देखेंगे, ठीक है। अभी देखो यूनिट्स ऑफ UTI में पहले क्या होता था, कि जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स अगर आप परचेस करते हो, तो उसमें जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स होते हैं उस पर जो भी डिविडेंड क्या होता है, डिक्लेयर होता है, म्यूचुअल फंड यूनिट
पे जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है, वो जो यूनिट होल्डर होता था, कौन यूनिट होल्डर, उसके हाथ में एग्जेम्प्ट हुआ करता था अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 35 के अंदर. क्या होता है एग्जेम्प्ट होता है. बट हावेवर एज पर द अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट 2020, नाउ द सेक्शन 115R, एक सेक्शन है जिसमें म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो होते थे उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ता था म्यूचुअल फंड कंपनी को. हावेवर गवर्नमेंट ने उसको एबॉलिश कर दिया है. तो अभी 115R नहीं है, तो अभी म्यूचुअल फंड के ऊपर जो डिविडेंड होता है उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता. तो मतलब वो जो डिविडेंड होगा वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, तो इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर. ठीक है, तो ये जो डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई है ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, अंडर द इन इन द हैंड्स ऑफ द यूनिट होल्डर बट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो ये यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. और जब IFOS का कैलकुलेशन करूँगा फ्रेंड्स, तो IFOS का जब कैलकुलेशन हम करेंगे तब उसमें से हम इसको क्या कर देंगे, तो माइनस कर देंगे. ठीक है, तो IFOS के कैलकुलेशन में से हमें क्या कर देना है, माइनस करना है, सॉरी अभी बिजनेस के इनकम में से माइनस करना है और IFOS के अंदर ऐड करना है. फिर दिया हुआ विनिंग फ्रॉम गेम शो, तो ये भी आपका कहाँ जाएगा, IFOS में ही जाएगा. ठीक है, सो ये ध्यान रखना. इसमें TDS उन्होंने 15,000 ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया है, तो जब आप टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तब आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के टाइम पे विनिंग फ्रॉम दिया हुआ है, विनिंग फ्रॉम गेम, ठीक है, तो वो आपको एड ऑन करना पड़ेगा 50,000 रुपये पूरा. क्योंकि यहाँ पे जो 35,000 दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो आपको किसका दिया हुआ है, नेट ऑफ TDS, मतलब TDS की इफेक्ट हटाने के बाद वाला दिया है. ओके, फिर आपको दिया हुआ है रेंट 27,000 रुपीज़, आपको रेंट दिया हुआ है. अभी ये रेंट किसके रिलेटेड है, ठीक है, वो क्वेश्चन में देखेंगे. अगर ये किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड का होगा तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा. फिर डेबिट साइड देखो, मेडिसिन्स कंज्यूम, फिर स्टाफ की सैलरी, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है. क्लिनिक कंज्यूमेबल्स, ये भी क्लिनिक का मतलब बिजनेस के रिलेटेड है, प्रोफेशन के रिलेटेड. रेंट पेड है, ये भी आएगा. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये भी आएगा. अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, ये भी आएगा. नॉर्मल कैलकुलेशन के टाइम पे तो आएगा. हावेवर अगर 115 BAC में जाते हैं तो फिर उस केस में हमें ये नहीं देना है. एंड नेट प्रॉफिट आपको दिया है 4,40,400. रेंट पेड इंक्लूड्स 30,000 पेड बाय चेक टूवर्ड्स रेंट फॉर हर रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत. तो ये तो पर्सनल एक्सपेंस हो गया. तो पर्सनल एक्सपेंस आपके बिजनेस एक्सपेंस में नहीं है कंसिडर होगा, तो उसको हमें फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ करना पड़ेगा. ठीक है, सो इसको हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ करेंगे. फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्लिनिक इक्विपमेंट्स आर, उसमें दिया है ओपनिंग WDV 5 लाख, अक्वायर्ड कॉस्ट बाय चेक, तो वो आपको दे रखा है कितना, तो 2 लाख रुपीज़ आपको दिया हुआ है. तो यहाँ पे चेक से इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर अगर आपने कैश में पेमेंट किया होता तो हम आपको उसका डेप्रिसिएशन नहीं देते. फिर आगे दिया हुआ है दोस्तों, रेंट रिसीव्ड रिलेट्स टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट सूरत. तो ये उन्होंने सूरत में खुद की प्रॉपर्टी है 27,000 की, और उन्होंने 30,000 रुपीज़ रेंट पे किया है. मतलब ये थोड़ा आपको ऐसा लगेगा, बोले ये सर कैसे, जिस सिटी में वो रहते हैं वहीं पे उनका खुद का भी घर है और वो रेंट पे भी रह रहे हैं. ठीक है, तो आपको दो चीज़ें इसमें क्लियर करनी है. एक है सेक्शन 80GG, जिसमें अगर दोस्तों अगर आप रेंट पे करते हो तो उसका हम आपको डिडक्शन देंगे, बट उसकी एक कंडीशन ये है कि आपका उस लोकेलिटी में आपका कोई दूसरा घर नहीं होना चाहिए. मतलब खुद का घर होगा तो उसमें रहिए, आप क्यों रेंट पे रहते हो. तो इस केस में गवर्नमेंट ने ना बोला हुआ है, 80GG का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे भी हम नहीं देंगे. दूसरा, ये 27,000 है ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर टैक्सेबल होगा. ओके, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में देखेंगे. ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको दिया हुआ है 27, म्यूनसिपल टैक्स पेड है, तो म्यूनसिपल टैक्स पेड होगा तो उसको माइनस कर देंगे. इन December 2020 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 2,55,000, उसमें से 2,000 रुपीज़ मुझे ऐड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, ऐड. ओके, सी रिसीव्ड सैलरी ऑफ ₹7,500 पर मंथ फ्रॉम फुल क्योर हॉस्पिटल विच हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कंसल्टेशन, एंड क्या दिखा हुआ है, मेडिकल चार्जेस. ठीक है, मतलब एक 7,500 रुपीज़ का उनको रिसिप्ट हो रहा है.
ठीक है, तो ये जो इनको सैलरी इनकम हो रहा है वो तो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सो 7500 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 90,000 इनकी सैलरी इनकम हो गई, उसमें भी 50,000 का उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये 40,000 रुपये क्या होगा, तो 40,000 रुपीज़ हम क्या करेंगे टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। फिर हाउस प्रॉपर्टी का भी कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का कैसे करेंगे, तो GAV उनका कितना होगा 27,000, उसमें से जो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड हुआ है वो माइनस करने, तो म्यूनसिपल टैक्सेस पेड कितना हुआ 2,000, तो ये हो गया 25,000, तो ये आपका हो गया NAV। इसमें से आपको माइनस करना है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, तो वो हो जाएगा 7,500। ओके, अगर इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल होगा तो वो माइनस करेंगे। ओके, उसके बाद देखो, डॉक्टर निरंजना अवेल्ड अ लोन ऑफ ₹5,50,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हर डॉटर, शी रीपेड द प्रिंसिपल ऑफ ₹1,00,000 एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन इज 55,000। तो सेक्शन 80E में आपको डिडक्शन मिलेगा, तो जो भी इंटरेस्ट आप पे करते हो फॉर हायर एजुकेशन तो उसका 80E में आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये 55,000 रुपीज़ का हम आपको डिडक्शन दे देंगे, बट वो कौन से सेक्शन में मिलेगा, 80E के अंदर। शी पेड ₹1,00,000 एज अ ट्यूशन फी, नॉट इन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट फीस एंड डोनेशन टू द यूनिवर्सिटी फॉर द फुल टाइम एजुकेशन ऑफ अवर डॉटर। तो एजुकेशन के लिए अगर आप कोई एक्सपेंस करते हो, नॉट एज अ डेवलपमेंट, लाइक कोचिंग फीस वगैरह नहीं पे किए, मतलब ऐसी इंस्टीट्यूट को पेमेंट किया है जो सर्टिफाइड डिग्री देते हैं, तो ATC में डिडक्शन मिलेगा। एन अमाउंट ऑफ ₹28,000 हैज़ ऑल्सो बीन पेड बाय चेक ऑन 27 मार्च 2021 फॉर हर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 80D में उसका डिडक्शन मिलेगा। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर निरंजना फॉर द AY 2021-22 अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स, अज्यूमिंग दैट ही इज़ नॉट ऑप्टेड फॉर 115BAC। तो 115BAC के लिए नहीं जा रहे, अगर जाते तो उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अगर जाते तो ये 80D देन 80C, 80E, इन सब का हम बेनिफिट नहीं देते। ओके, सो अभी क्या करना है, तो जो एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको करने हैं। सबसे पहले देखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते हो फ्रेंड्स, जब भी आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट करते हो तो सबसे पहला स्टेप नंबर वन आपका होता है नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना। फिर स्टेप नंबर टू में आपको जाना है फ्रॉम क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड से क्या करना है, तो जो नॉन बिजनेस इनकम है, कौन सी इनकम है, जो नॉन बिजनेस इनकम है वो आपको क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। फिर स्टेप नंबर थ्री में जाना है, तो स्टेप नंबर थ्री आपका क्या होगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसका आपको रिडक्शन नहीं मिलता उसको आपको प्लस कर देना है। एंड देन लास्ट में आपको जाना है स्टेप नंबर फोर के अंदर, जो बचा डेबिट साइड, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सैलरी है उसका तो कैलकुलेशन हमने पहले ही कर लिया, GAV का भी, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का भी हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो जैसे कि उन्होंने पहले, सबसे पहले स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। फिर हमें जाना है क्रेडिट साइड। अभी क्रेडिट साइड जाओ और ऐसी इनकम जो बिजनेस इनकम नहीं है और फिर भी उसको क्रेडिट किया हुआ है वहाँ पे, तो उसको वहाँ से हटा दो। तो ऐसी कौन सी, तो इनकम टैक्स रिफंड इज़ नॉट अ बिजनेस इनकम, तो उसको वहाँ से हटा दो, ठीक है, पूरा का पूरा। तो 5450 यहाँ से पूरा उन्होंने माइनस किया होगा, आप देख सकते हो ये रहा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड के अंदर ही उन्होंने 10,500 का डिविडेंड मिला है, तो ये भी आपका अदर सोर्सेस में जाएगा, तो इसको भी माइनस किया हुआ है, ठीक है। फिर कार्ड गेम या फिर विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इनकम जैसा कुछ था, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी बिजनेस इनकम नहीं है, ये IFO में टैक्सेबल होगा, तो इसको भी माइनस करो। सो उसको भी माइनस किया है। एंड इवन जो रेंट है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। तो अभी एक्सक्लूसिवली हम बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो अदर सोर्सेज की इनकम या अदर हेड्स की इनकम होगी उसको अभी फ़िलहाल आपको माइनस करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको भी माइनस करेंगे। सो ये 35 एंड 27, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, माइनस। तो 77,950, तो ये 362,452 आपका क्या होगा, माइनस करने के बाद वाला फिगर होगा। उसके बाद ये हो गया क्रेडिट साइड। फिर आपको जाना है एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में जाके क्या करना है,
तो ये जो रेंट पेड है 30,000, ये तो आपका पर्सनल एक्सपेंस हो गया, तो इसको ऐड बैक करो। तो उन्होंने ऐड बैक किया होगा 30,000, ठीक है, ये रहा ओके, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस है ना दोस्तों। क्लिनिकल इक्विपमेंट्स है तो ओपनिंग WDV पे हम डेप्रिसिएशन देंगे, और ये जो असेट उन्होंने परचेस किया। बट यहाँ पे आप डेट देखो दोस्तों, 7 दिसंबर 2020 है, मतलब ये पुट टू यूज़ 180 डेज से कम हुआ। तो अगर पुट टू यूज़ 180 डेज से कम होगा तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 180 डेज से कम होगा, तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो हम हाफ दे देंगे। तो ऐसे मिलता कितना है, तो 15% मिलता है, तो 15 का हाफ कितना देंगे इसके ऊपर मिलेगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखना आप लोग। सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये डेप्रिसिएशन। अभी जो डेप्रिसिएशन बुक्स में होता है ना, डेप्रिसिएशन जो बुक्स में उन्होंने क्लेम किया होगा वो हम ऐड कर देंगे, बट यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं है डेप्रिसिएशन बुक्स का। डेबिट साइड आप देखोगे तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। सो ये डेप्रिसिएशन की इफ़ेक्ट हमने यहाँ से हटा दी, मतलब माइनस कर दी। फिर वहाँ पे दिया हुआ है ये जो पॉइंट है ये तो हाउस प्रॉपर्टी का है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 2,000 रुपये, उसको मुझे वापस ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वो तो हाउस प्रॉपर्टी का है। तो 2,000 आप जाके देख सकते हो, ऐड किया है उन्होंने, ये रहा ओके। फिर उसके बाद देखो दोस्तों, नेक्स्ट 7,500, ये तो सैलरी में हमने देख लिया। निरंजना अवेल द लोन ऑफ ₹5,50,000, इसका ATE में मिलेगा, इसका ATC में मिलेगा, इसका ATD में मिलेगा ओके। तो ये सब कुछ हमने देख लिया ओके। सो हमें सिर्फ अभी टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। तो टोटल इनकम के अंदर ये सैलरी इनकम आ गया, ये हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ गया, और ये आपका बिजनेस इनकम आ गया लास्ट में, ठीक है, अदर सोर्सेज का ऐड करने के बाद। एंड देन उन्होंने डिडक्शन क्या किया हुआ है, क्लेम किया हुआ इन द मैनर वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये जो विनिंग फ्रॉम टीवी गेम जो है दोस्तों, विनिंग फ्रॉम टीवी गेम जो आपको दे रखा है ओके, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 35,000 है ये आपको नेट दे रखा है, मतलब इसमें TDS की इफ़ेक्ट हटा दी गई है। तो TDS जो होगा वो मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम 35 थोड़ी ना, इनकम तो ज़्यादा है ना। तो 35,000 डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना है, 1 - T। तो TDS का रेट होता कितना है, तो वो होता है 0.30। तो 35,000 माइनस क्या करूँगा 0.30, तो ये 35,000 होगा कितने पे, तो वो होगा 0.70 पे। सो मेरा कितना होगा, ये 50,000 रुपीज़ मेरा इनकम होगा फ्रॉम TV, ठीक है, जो भी हमने गेम TV में खेला, मतलब TV गेम, मतलब मेरा कहने का मतलब है गेम शो में से, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम उसको एक और सेशन हमें चाहिए होगा टोटल इनकम का, तो उसके अंदर हम उसको कैलकुलेट करेंगे, सारे क्वेश्चंस उसी में कवर हो जाएंगे। जैसे दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, उसकी ट्रीटमेंट मैंने आपको समझा दी, वैसे ही बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ तक रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरी वन, ओके।